नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। प्रेरणा पोर्टल पर नए बच्चों की एडमिशन की रजिस्ट्रेशन के लिए नया ऑप्शन जोड़ा गया है। अब अध्यापक विद्यालय में नए सत्र में बच्चों की एडमिशन की रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे। आज हम इस वीडियो में फ़ोन से ही किसी भी कक्षा में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें सीखेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आप सभी विद्यालय के काम आसानी से कर पाएं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और prerna.up.in वेबसाइट को सर्च करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर तीन डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे। अब वेबसाइट बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही फ़ोन में चलेगी। आप सभी को सही से समझ आए इसलिए मैं लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, मगर आप अपना सारा काम अपने मोबाइल से आसानी से ही कर पाएंगे। सबसे पहले अपने फ़ोन के ब्राउज़र में prerna.up.in वेबसाइट पर टीचर्स लॉगिन वाले ऑप्शन से प्रेरणा पोर्टल पर आप लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद आप प्रेरणा पोर्टल के इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का नया ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर सबसे ऊपर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला, ध्यान रहे यदि आपने एक बार छात्र छात्राओं का पंजीकरण कर दिया है तो छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा प्रमोट कर दिया जाएगा, कृपया आप छात्र छात्राओं का पंजीकरण दोबारा ना करें। इसी पेज से KGBV विद्यालय की कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं का पंजीकरण कर सकते हैं। अब आखिर के दो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण हैं। पिछले चरण के सभी छात्र छात्रा प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए सत्र 2019-20 में पंजीकृत छात्र छात्राओं को सत्र 2020-21 के अगली कक्षा में देखें तथा सत्र 2020-21 में पंजीकृत छात्र छात्राओं को सत्र 2021-22 के अगली कक्षा में देखें। यदि कंपोजिट विद्यालय प्राइमरी विद प्राइमरी मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 5 दिखेगी, और यदि UPS विद UPS मर्ज हुआ है तो कक्षा 6 से 8 दिखेगी, और तथा यदि PS विद UPS मर्ज हुआ है तो कक्षा 8 से 8 दिखेगी। अब नीचे सेशन में क्लिक करने पर 2020-21 और 21-22 दिखाई देगा। पहले 2020-21 सेलेक्ट करके देखते हैं। स्कूल इन्फॉर्मेशन में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल टाइप, स्कूल नेम पहले से भरे होंगे। क्लास में क्लास 1 सेलेक्ट करते हैं। अब जो बच्चे 2020-21 सेशन में विद्यालय में कक्षा 1 में थे वो दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ पर कक्षा 1 में 4 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं, उनकी डिटेल्स देखने के लिए संख्या पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, SR नंबर, जेंडर, माता पिता का नाम आ जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अन्य कक्षाओं के बच्चों की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब सत्र 2021-22 में नए बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए सेशन में 2021-22 सेलेक्ट करेंगे और नीचे क्लास सेलेक्ट करेंगे। अब आपके विद्यालय में सभी छात्र प्रमोट हो गए होंगे, जैसे यहाँ पर कक्षा 1 के छात्र कक्षा 2 में प्रमोट हो गए हैं। इसी प्रकार अन्य कक्षाओं के छात्र भी प्रमोट हो गए होंगे। अब कक्षा 1 में नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए कक्षा 1 सेलेक्ट करते हैं। अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो 0 दिखा रहा है। नीचे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में अब नए बच्चे से संबंधित जानकारी भरेंगे, जैसे SR नंबर, एडमिशन डेट, स्टूडेंट नेम, जेंडर, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, रिलीजन। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि माता पिता का नाम जो छात्र के आधार कार्ड में लिखा हो उसी के हिसाब से लिखना है। सेम फैमिली मेंबर में यस या नो कर देंगे। नीचे राशन कार्ड, कैटेगरी और अगर विकलांग बच्चा है तो उसकी डिटेल भर देंगे। डिटेल भरने के बाद प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करेंगे और छात्र का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ऊपर आपको एक मैसेज शो हो जाएगा। इसी प्रकार आप कक्षा 1 और UPS में कक्षा 6 के बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। अब अगर कक्षा 1 और कक्षा 6 के अलावा किसी और कक्षा के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना हो तो आपको क्लास वाले ऑप्शन में उसी क्लास को सेलेक्ट करना होगा जिस क्लास में आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए आपको कक्षा 3 में कोई नया एडमिशन हुआ है तो उसको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर लेवल 3 सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में बच्चे की डिटेल्स भर देंगे और सेव कर देंगे। ऐसे ही आप किसी भी कक्षा में नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई समस्या आने पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।